नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। 22 साल से लगातार सज रहा है मां का पंडाल, समिति के सदस्य करते आ रहे हैं पिछले 8 साल से रक्तदान, जरूरतमंद लोगों को देते हैं रक्त, रक्त देकर बचाई लोगों की जान, मां वैष्णो देवी की तर्ज पर झांकी का पंडाल। शहर के वार्ड 13 में सज रहा मां का पंडाल वैष्णो देवी की तर्ज पर बनाया गया है। यहां की गुफा के अंदर माता हनुमान जी और भैरव बाबा की मूर्ति का पंडाल सजाया गया है। वहीं मां की मड़िया भी झांकी में सजाई गई है। झांकी के सदस्य पिछले 8 साल से रक्तदान देकर लोगों की जान बचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रक्तदान देने के लिए हमने मां के सामने संकल्प लिया था, तब से जरूरतमंद लोगों की जान बचा रहे हैं। शहर में नवरात्रि की धूम चारों तरफ से देखी जा रही है। मां के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शहर में लगभग अधिकांश मां के दरबार सजाए गए हैं और एक से बढ़कर एक मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर झांकी के पंडाल सजाए गए हैं। वहीं वार्ड नंबर 13 में लगी माता रानी की झांकी माता वैष्णो देवी पर बनाई गई है। झांकी में गुफा है, गुफा के अंदर पानी भरा हुआ है और थोड़ी थोड़ी दूर पर भगवान के दर्शन होते हैं। गुफा से जैसे ही जाते हैं सबसे पहले भगवान हनुमान के दर्शन, इसके बाद माता रानी के दर्शन और थोड़े आगे बढ़ते ही माता रानी का भव्य सजा हुआ पंडाल दिखाई देता है। इसके बाद जैसे ही भक्त जाते हैं तो वहाँ कोरोना के नियम और अपील भी दिखाई देती है। भक्त वापस लौटते हैं तो भैरवनाथ के दर्शन करके ही बाहर निकलता है। और इस झांकी में सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि झांकी के सदस्य पिछले 8 साल से रक्तदान करते हैं। वहीं झांकी के सदस्यों ने बताया कि मां की झांकी में संकल्प लिया था कि लोगों के लिए रक्त की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे आगे हम ही होंगे, तब से लेकर लोग रक्तदान कर रहे हैं। वहीं पंडाल को 21 साल पूरे हो चुके हैं और 22 साल का प्रयास आज समिति के सदस्य कर रहे हैं। लाइव टीवी समाचार के लिए विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज 21 वर्ष हो चुके हैं सर, और कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन किया जा रहा है। कोरोना के जो लक्षण होते हैं, लक्षण का भी लिखा गया है क्या किस बीमारी से क्या क्या कोरोना होते हैं, और कोरोना के बचाव के लिए भी लिखा गया है। तो कोरोना के लिए सभी चीज़ को बताया जा रहा है, कोरोना क्या लक्षण होते हैं, किस चीज़ से बचाव होता है। अब इसके साथ साथ ऐसी की जा रही है, यहाँ से प्रवेश है, हनुमान जी के दर्शन होते हैं, उसके बाद वैष्णो देवी के, माता जी के और भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। ये गुफा इसलिए बनाई गई है, वैष्णो देवी जाने वाले भक्त जो होते हैं स्वयं उसी के द्वारा बनाई गई है, और ये ग्रुप भी उसी का नाम से बनाया गया हुआ है। झांकी में कितनी प्रतिमाएं हैं? गुफा के अंदर पानी भी है, कई प्रतिमाएं हैं, कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं? प्रवेश द्वार पर दो मूर्तियां हैं, जो कि हनुमान जी की और माँ वैष्णो देवी की है। उसके बाद प्रवेश द्वार जैसे ही निकलेंगे माँ भवानी का है, और फिर उसके बाद जो निकासी रहेगी उसमें भैरव बाबा जी बैठे हुए हैं। देखा जा रहा है कि झांकी क्या नक्शा है, आप बताएं। ये सज्जा इसलिए की गई है, मंडप द्वारा बनाया गया है, मंडप इसलिए बनाया गया है घास फूस से कि हवन बेदी जैसी हवन बेदी बनती है, बेदी के हिसाब से ही बनाया गया है इसको। कितनी लागत तो समिति द्वारा तो कुछ खास लागत नहीं आई है, और समिति द्वारा समिति के सभी सदस्यों ने मेहनत की है, तो मेहनत के हिसाब से सब चीज बन चुकी है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।